पाकिस्तान के टॉप 9 ताकतवर लोग जिनसे वहां की सरकार भी थर थर कांपते हैं। नंबर 1 जग्गा गुर्जर, ये वो इंसान है जिसके ऊपर पंजाब में कई सारी फिल्में बन चुकी हैं। पूरे पाकिस्तान में अपनी दहशत के कारण पहचान रखने वाले जग्गा गुर्जर का असली नाम चौधरी मोहम्मद शरीफ गुर्जर है। गुर्जर ने जब पहली बार कत्ल किया तभी से ही पूरे पाकिस्तान में उसके नाम की दहशत फैल गई थी। दिलचस्प बात यह है कि जग्गा गुर्जर ताकतवर होने के साथ साथ समझदार भी था। उसने बाकी बदमाशों की तरह लोगों की जमीन पर कब्जा नहीं किया बल्कि उनसे टैक्स लिया करता था। जो ऐसा नहीं कर पाता था उसे वो मार देता था। हालांकि जग्गा गुर्जर की मौत एक पुलिस एनकाउंटर में हुई थी। नंबर 2 सेठ आबिद हुसैन। सेठ आबिद हुसैन इतना खूनखार और ताकतवर था कि पाकिस्तान के बड़े से बड़े गुंडे भी इसकी सलामी करते थे। स्मगलिंग और इलीगल काम करने से पहले सेठ आबिद ने मालगाड़ी से सामान को इधर से उधर ले जाने का काम किया। फिर एक बार उन्होंने देखा कि लोग मालगाड़ी के जरिए गैर कानूनी चीजें भी दूसरी कंट्री में पहुंचा रहे हैं। बस फिर क्या था, उसने स्मगलर के साथ मिलकर स्मगलिंग शुरू कर दी। इतना सोना स्मगल करने के बाद उनकी गिनती दुनिया के टॉप स्मगलरों में होने लगी। नंबर 3 ताजी खोखर। ताजी खोखर का असली नाम इम्तियाज है। उन्होंने बचपन से ही पैसे कमाने के लिए सारे 2 नंबर के काम किए। उन्होंने कत्ल, किडनैपिंग और लोगों से गद्दारी की। आज उनके पास पाकिस्तान की सबसे महंगी गाड़ियां और एक आलीशान फार्म हाउस है। इतना ही नहीं, उनके पास अपना खुद का हेलीकॉप्टर भी है। नंबर 4 आबिद बॉक्सर। बॉक्सिंग से अपने करियर की शुरुआत करने वाले आबिद का पूरा नाम आबिद हुसैन कुरैशी था। पहले वो पुलिस में नौकरी करते थे लेकिन पाकिस्तान में वो मशहूर अपने एनकाउंटर की वजह से हुए। शाहबाज शरीफ ने कई सालों तक अपने दुश्मनों का नकली एनकाउंटर कराने के लिए आबिद बॉक्सर का इस्तेमाल किया। नंबर 5 उजैर बलोच। उजैर बलोच भी आबिद कुरैशी की तरह बॉक्सिंग में था। उसने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए हथियार उठाए। इससे उसका नाम पूरे पाकिस्तान में फैल गया। नंबर 6 अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ ऐसा शख्स है जिसके ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप लगता रहा है। उसकी वजह से कई बेगुनाह लोगों का कत्ल हुआ। नंबर 7 फारूक खोखर। फारूक खोखर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का रहने वाला है और वो पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉन ताजी खोखर का बेटा है। आज उसका नाम पाकिस्तान के टॉप माफियाओं में गिना जाता है। नंबर 8 गोगी भट्ट। लाहौर के गलियों में जन्मे गोगी भट्ट का असली नाम अकील भट्ट है। वो बहुत खूंखार गैंगस्टर है और इसके ऊपर सैकड़ों मर्डर के चार्जेस लगे हुए हैं। नंबर 9 टीपू ट्रक वाला। टीपू ट्रक वाला अपने पिता के मौत के बाद सारे कारोबार को संभाल लिया। वो पहलवान भी है और अपने घर में 10 बब्बर शेर पाल रखे हैं। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के कुछ खूंखार लोग जिनके नाम का सिक्का आज भी पाकिस्तान में चलता है। कुछ लोग एनकाउंटर में या फिर आपसी दुश्मनी की वजह से मारे गए लेकिन जो लोग अभी जिंदा हैं वो पाकिस्तान में दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।